आगामी नवंबर माह में दिल्ली में होने वाले प्रथम एफ्रो एशियन गेम्स के शुभंकर शेरू का कल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधानी के विज्ञान भवन में अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री उमा भारती और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी भी मौजूद थे। आई कॉम्प्लीमेंट द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मैं भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय को संयुक्त रूप से इस खेल के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आपकी मेहनत का परिणाम हमारे माननीय अतिथि और कंबाइंड हार्ड वर्क उन्हें दिल्ली में रिजल्ट इन आवर ऑनर्ड फॉरेन गेस्ट फाइंडिंग न्यू दिल्ली ए फिटिंग वेन्यू फॉर होस्टिंग सच एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। प्रथम एफ्रो एशियन गेम्स का आयोजन 9 से 11 नवंबर तक दिल्ली में होगा। इसमें इन दोनों महादेशों के करीब 95 देशों के भाग लेने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली लगभग 2600 खिलाड़ियों और अधिकारियों का मिलन स्थल होगा। इस आयोजन को लेकर पूरे एशिया और अफ्रीका में एशिया और अफ्रीका के गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित होंगे। आईओसी के अध्यक्ष जैक्स रोगे एशिया और अफ्रीका के इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी प्रेसिडेंट विल हिमसेल्फ बी हियर विद अ होस्ट ऑफ आईओसी मेंबर्स एंड ऑल द प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरीज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। बहरहाल एफ्रो एशियन गेम्स के शुभंकर शेरू के अनावरण के साथ ही सही मायने में इस भव्य आयोजन की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। इसके आयोजक इसके सफल आयोजन को लेकर काफी आशावान हैं। वे इसमें कहां तक सफल हो पाते हैं ये वक्त ही बताएगा।